प्यार किस्मत से लड़कर जीत सकता है। तो गाइस कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में हाल फिलहाल रिलीज हो चुकी फिल्म, एपिक ड्रामा रोमांटिक फिल्म राधे श्याम को लेकर, जिसका क्रेज हर कोई देख रहा था, क्रेज सुन रहा था और फिल्म का इंतजार कर रहा था सबसे कॉमन बात। जी हाँ, तो एसएम करने वाले हैं छोटा सा रिव्यू रिएक्शन मेरी ही तरफ से, पब्लिक क्या बोल रही है चलिए जानते हैं आज मेरे तरीके से। वेल, आपको पता है ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म तो है, लेकिन किस तरह की है कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा ट्रेलर में ही कि इट्स अ वॉर बिटवीन डेस्टिनी एंड लव। क्या होगा फिल्म में कोई कुछ नहीं जानता, कहने को एक प्रेडिक्शन करने वाले एस्ट्रोलॉजर हैं प्रभास इस फिल्म में, लेकिन वो खुद की जो स्टोरी है लव स्टोरी उसका प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। फिल्म काफ़ी अमेजिंग होने वाली है, एक राजा की कहानी आपको देखने को मिलेगी इस फिल्म में जो कि काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। यार इस फिल्म पर काफ़ी बजट खर्च किया गया है, 350 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, तो फिल्म तो धमाकेदार होनी ही है। देखते हैं, फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, पब्लिक का रिस्पॉन्स पॉजिटिव वे में आ रहा है और शोज हाउसफुल चल रहे हैं बैक टू बैक पूरे इंडिया के अंदर। हिंदी से ऑडियंस में थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी कहूँगा 80% ऑक्यूपेंसी के साथ शोज देखे जा रहे हैं हिंदी ऑडियंस में भी। और साउथ की बात की जाए तो फुल टॉस बोलते हैं ना हाउसफुल, एक दो जगह को छोड़कर, अदरवाइज फिल्म बहुत बढ़िया है। और आपको पता है प्रभास का क्रेज बाहुबली के बाद से ही देखा जा रहा है, और जब से उन लोग बोले तो प्रभास को उनकी फिल्में हिंदी डब में पैन इंडिया के तौर पर रिलीज़ हुई है ना, वो एक पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं और उन्हें अब एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। अब बात की जाए साउथ इंडियन एक्टर्स को लेकर, तो उनमें नंबर वन पर आते हैं, नंबर वन पर रैंक होती है प्रभास की। ऐसे में फिल्म है राधे श्याम जो कि एक एपिक ड्रामा लव स्टोरी है, जिसे कि आज की यंग जनरेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है, और ये कहीं ना बोलते हैं ना कुछ लोगों के लिए बहुत बेकार फिल्म साबित होने वाली है, क्योंकि मेरे हिसाब से एक हाफ लव स्टोरी होगी जो कि आपके हार्ट को ब्रोकन करने वाली है। तो आपकी ओपिनियन क्या है फिल्म को लेकर कमेंट में मेंशन कीजिएगा, पर मैं सजेस्ट करूँगा आपको आपकी कंडीशन कैसी भी हो पर फिल्म देखनी चाहिए। यार ब्रोकन हार्ट है कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, लेकिन फिल्म आपको देखनी चाहिए क्योंकि फिल्म में कुछ ऐसा है जो आप डिज़र्व करते हो, एक्चुअल में डिज़र्व करते हो, यकीन मानिए फिल्म काफ़ी अच्छी है। फुल पैसा वसूल तो है क्योंकि प्रभास की फिल्म है, तो एक उस पर टैग अपने आप रख जाता है फुल पैसा वसूल। तो डोंट केयर अबाउट मनी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस मूवी देन गो एंड वॉच, यही कह सकता हूँ, क्योंकि फिल्म बहुत ही जेन्युइन है, रियलिटी पर बेस्ड है, रियलिटी इन द सेंस आपको सब कुछ रियल लगने वाला है और ऐसा लगेगा कि राजा विक्रम आदित्य की जो जिंदगी है वो आप जी रहे हो। तो फील करना चाहते हो तो जाइए और एंजॉय कीजिए, और आपकी ओपिनियन हमारे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग।